नमस्कार, गुड इवनिंग। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम के इस कार्यक्रम में आना, कई पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, तो अपने आप में एक खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि यहाँ भारत के ब्राइट फ्यूचर को लेकर बेहतरीन संवाद हुए होंगे, और ये संवाद तब हुए जब भारत को लेकर पूरा विश्व एक विश्वास से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारतीयों के जीवन में हम बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं। हमारी सरकार ने भारत के करोड़ों करोड़ नागरिकों के जीवन को छुआ है। देश के नागरिकों को गुड गवर्नेंस देना ये हमारा संकल्प है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मंत्र रहा है, और देश के लोग भी हमारे इस सेवा भाव को देख रहे हैं। देश के लोग बीते 10 वर्षों में देश की उपलब्धियों को देख रहे हैं। इसलिए आज भारत के लोग एक नए विश्वास से भी भरे हुए हैं। विश्वास खुद पर, विश्वास देश की प्रगति पर, विश्वास नीतियों पर, विश्वास निर्णयों पर, और विश्वास नियत पर भी है। आप दुनिया के दूसरे देशों की स्थितियां देखिए। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में वोटिंग हुई है, इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए हैं। कई देशों में सरकारों को मुश्किलें आई हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया।
भारत के वोटर्स ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। भारत के एस्पिरेशनल यूथ ने और भारत की महिलाओं ने कंटिन्यूटी के लिए वोट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वोट किया है और इसके लिए मैं देश के लोगों का जितना आभार प्रकट करूं वो कम ही है। साथियों, आज भारत की प्रगति ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है। आंकड़ों का अपना महत्व होता ही है, लेकिन ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि आखिरकार कितने लोगों का जीवन बदल रहा है। इसी में भारत के भविष्य का राज छिपा है। बीते एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और ये लोग सिर्फ गरीबी से बाहर आए इतना ही नहीं है, उन्होंने एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण किया है। ये स्पीड और स्केल हिस्टोरिक है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये भारत में इसलिए हुआ क्योंकि हमने गरीबों के प्रति गवर्नमेंट की अप्रोच बदली। गरीबों में भी एस्पिरेशंस तो थी ही, फाइटिंग स्पिरिट तो हमसे भी ज्यादा होती है, लेकिन उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी थी। जैसे उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, बेसिक सुविधाएं नहीं थी, और ऐसी स्थितियों में हमने गरीबों को एम्पावर करने का रास्ता चुना। हमने उनके रास्ते से बाधाएं हटाई और हम कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हुए। और देखिए कितना कुछ बदल गया। जिन लोगों के पास दशकों तक बैंक अकाउंट नहीं थे, वो आज अपने अकाउंट से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जिनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे, उन्हें आज बिना गारंटी बैंक लोन्स मिल रहे हैं। वो आज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। जो लोग दुनिया में हो रहे बदलावों से अनजान थे, आज उनके पास डिवाइस भी हैं, कनेक्टिविटी भी है, और वो बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन है। जो गरीबी के संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं, उनके भीतर तरक्की की भूख है। वो अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। उनकी एस्पिरेशंस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। उनकी क्रिएटिविटी इनोवेशन का रास्ता बना रही है। उनकी स्किल से इंडस्ट्री का रुख बन रहा है और उनकी नीड से मार्केट की दिशा बन रही है। उनकी इनकम ग्रोथ मार्केट में डिमांड को बढ़ावा दे रही है। भारत का ये न्यू मिडिल क्लास
देश की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति साबित हो रहा है। साथियों, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि थर्ड टर्म में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इरादे अब और मजबूत है। और हर देशवासी की तरह सरकार भी पूरी तरह से आशा और विश्वास से भरी हुई है। अभी थर्ड टर्म की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं, हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं, हम रिफॉर्म्स में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति दी, हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की, 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का उसका फैसला हुआ, बेहतर क्वालिटी के बीजों की 100 से अधिक वैरायटी जारी की, 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई जिसका सीधा फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा, और 100 दिन के भीतर ही देश में 11 लाख ग्रामीण बैकग्राउंड की सामान्य परिवार की 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, कल मैं महाराष्ट्र के पालघर में था, वहां 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट से वाडवंड पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। 3 दिन पहले ही 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 50,000 करोड़ से अधिक के 8 हाई स्पीड कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपए से पुणे, ठाणे और बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसी दौरान लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक के निर्माण का काम शुरू हुआ है। साथियों, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है, हमारे लिए ये भारत के नागरिकों की सुविधा का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम है। रेल के डिब्बे तो पहले भी बनते थे, लेकिन हम वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों को लेकर के आए हैं जिसमें स्पीड और कंफर्ट दोनों है। आज ही मैंने सुबह 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। रोड भी तो देश में पहली बार बनते थे, पहले भी बनते थे, लेकिन हम भारत में आधुनिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हमारे यहां पहले से थे, लेकिन हम भारत के टियर 2 टियर 3 सिटीज को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। हम पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान लेकर आए हैं। लक्ष्य यही है कि देश की सरकारें अलग अलग डिपार्टमेंट साइलोस में काम करने कल्चर से बाहर आए। इन सारे प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी इकोनॉमी को हो रहा है।
हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। फ्रेंड, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक भारत के लिए लिफ्ट ऑफ डेकेड जैसा है। ये कैसे होगा, इसका फायदा किसको होगा, इसको करने वाले भी हम सभी हैं और इसका फायदा भी सभी को होगा, पूरे देश को होगा। आज जब यहां भारत की इकोनॉमी से जुड़े आप सभी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े साथी हैं, मैं उन पिलर्स की चर्चा जरूर करना चाहूंगा जो विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले हैं। और ये पिलर्स सिर्फ भारत की प्रॉस्पेरिटी के पिलर्स नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के भी पिलर्स है। आज भारत में चारों तरफ अवसर बढ़ रहे हैं, सरकार हर प्रयास को प्रोत्साहित कर रही है और हम बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। इसलिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन पर भी काम कर रहे हैं। साथियों, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हर भारतीय की एस्पिरेशन है और दुनिया की भारत से एक्सपेक्टेशन भी है। आज आप देखिए, इसके लिए देश में एक रिवॉल्यूशन जैसा चल रहा है। आज देश में एमएसएमई को जितना सपोर्ट मिल रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज शहरों में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में पीएलआई स्कीम्स ने जो सफलता हासिल की है वो तो अभूतपूर्व है। साथियों, गुलामी के कालखंड से पहले भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार हमारी ज्ञान परंपरा थी, हमारा नॉलेज सिस्टम था। ये विकसित भारत का भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि भारत स्किल, नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन का हब बने। इसके लिए सरकार इंडस्ट्री और एकेडेमिया को पार्टनर बना रही है। इस साल के बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। 1,00,000 करोड़ रुपए के रिसर्च फंड के पीछे भी हमारी यही सोच है। आज देश का प्रयास है कि टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुले। हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे बाहर पढ़ने में इतना पैसा खर्च करते हैं, हम चाहते हैं उनका वो पैसा बचे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आजादी के बाद के 7 दशक तक भारत में एमबीबीएस एमडी की सीट्स 80,000 के आसपास रही और इसलिए ही तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे बच्चे विदेश जाने के लिए मजबूर थे। पिछले 10 साल में देश में हमने एमबीबीएस एमडी की करीब 1,00,000 नई सीटें और बढ़ाई है। आज देश में एमबीबीएस एमडी की 1,80,000 से ज्यादा सीटें हो गई है। और मैंने इस बार अभी 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया है, अगले 5 साल में भारत में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ी जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत बड़ा अहम सेंटर बनेगा। साथियों, आज भारत की एक और बड़ी एम्बिशन है। ये एम्बिशन देश को
ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की है। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट हो, ये देश का संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम कई सारे काम एक साथ कर रहे हैं। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे सी फूड, इनकी क्वालिटी पर जोर है। आपने देखा है, पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया। किसकी पहल पर? भारत की पहल पर हुआ। दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? हिंदुस्तान है। और ये मिलेट्स सुपर फूड है। ये प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं, प्रगति के लिए भी अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया के टॉप फूड ब्रांड्स में जगह बना रहा है। साथियों, विकसित भारत का एक और मजबूत पिलर ग्रीन एनर्जी का सेक्टर होने वाला है। आपने G20 में भारत की सफलता देखी है। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को सभी देशों ने सपोर्ट किया। भारत ने तय किया है कि 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का है। साथियों, बीते वर्षों में टेक्नोलॉजी ने हमारे ग्रोथ को गति दी है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ टूरिज्म भी भारत की ग्रोथ का एक स्ट्रांग पिलर बनेगा। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए, हर सेगमेंट के टूरिस्ट के लिए भारत टॉप डेस्टिनेशन हो, ये प्रयास आज देश कर रहा है। आज भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। हमारे जो बीचेज हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है। और इस समय तो देश में एक यूनिक अभियान भी चल रहा है, देखो अपना देश। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस, इसमें भारत के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट बनाने के लिए वोटिंग कराई जा रही है। नागरिक वोट कर रहे हैं जिन जगहों को भारत के लोग टॉप डेस्टिनेशन मानेंगे, उन टूरिस्ट प्लेसेस को मिशन मोड में डेवलप किया जाएगा। और इससे भी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथियों, आज हमारा देश परिवर्तन में सबकी भागीदारी पर जोर दे रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान हमने अपने अफ्रीकन फ्रेंड्स को सशक्त करने में मदद की। हमने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। अब हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जो सभी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करे। आने वाले समय में ग्लोबल साउथ के देशों के पास विश्व की सबसे बड़ी संभावनाएं होगी। पूरी ह्यूमैनिटी का एक बड़ा हिस्सा इन देशों में बसता है और भारत विश्व बंधु की भावना से इन देशों की आवाज बन रहा है। साथियों,
आज की दुनिया डायनेमिक है, इसलिए हमारी सरकार की नीतियां और रणनीतियां भी डायनेमिक है। हर जरूरत के हिसाब से हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। हम अपनी पॉलिसी बीते कल के आधार पर नहीं बल्कि आने वाले कल को देखते हुए बना रहे हैं। हमारा फोकस फ्यूचर पर है। हम आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों के लिए देश को आज तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, क्वांटम मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, इन पर भारत अभी काम कर रहा है। अभी आपने देखा है, सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। आज का भारत अवसरों की धरती है। हमारा विश्वास है भारत का फ्यूचर इससे कहीं बेहतर होने वाला है। साथियों, हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हम जानते हैं आप भी देश की इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्लोबल ब्रांड बने। हम चाहते हैं भारत दुनिया के हर सेक्टर में लीडर बने। हमारा वादा है हम फैसिलिटेट करेंगे। आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। हमारा वादा है हम रिफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। हमारा वादा है हम स्टेबल पॉलिसी रिजिम देंगे। आप वादा करिए, आप पॉजिटिव डिसरप्शन करेंगे। हमारा वादा है हम हाई ग्रोथ पर ध्यान देंगे। आप वादा करिए, आप हाई क्वालिटी पर ध्यान देंगे। बड़ा सोचिए, देश के लिए सफलता की बहुत सी गाथाएं हमें मिलकर के लिखनी है। आज का भारत दुनिया में संभावनाओं की सबसे बड़ी धरती है। आज का भारत वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करता है। एक मजबूत भारत पूरी मानवता का बहुत बड़ा विकास कर सकता है। एक समृद्ध भारत पूरे विश्व की समृद्धि का रास्ता बना सकता है। हमें इनोवेशन, इंक्लूजन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मंत्र याद रखने हैं। मैं देश और देश के बाहर रहने वाले हर भारतीय से कहूंगा, भारत के हर सामर्थ्य से कहूंगा, आइए इस यात्रा में हम सब मिलकर के एक साथ चलें। आइए भारत को विकसित बनाएं, क्योंकि भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि है। और मुझे विश्वास है हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।